दोस्तों आज हम देखेंगे ब्लैक घोस्ट फिश मार्केट से लाने के बाद में हम एक्वेरियम में सेटअप करने से पहले एक्वेरियम में किस टाइप से हमें तो फिश को छोड़ना है, फिश टाइप से किस टाइप से एक्वेरियम का सेटअप करना है, तो जो कि हमारे फिश है तो स्ट्रांग रहेंगे, तो ये हमारा फिश मरने नहीं चाहिए। इसके लिए ये वाला जो हमारा जब भी एक्वेरियम होता है घर में, ज्यादातर ऐसा होता है कि बाहर से फिश ला ली एक्वेरियम में डाल दी तो फिश मर जाती, तो उसके लिए आज हमने जो ब्लैक घोस्ट फिश का सेटअप बताने वाला हूं मैं कि शॉप से लाने के बाद में हमारे एक्वेरियम में छोड़ने के लिए क्या क्या कौन कौन सी चीजों की केयर करनी पड़ेगी और कौन कौन सी इसको देखरेख के साथ हमारे तो कौन कौन से मेडिसिन और कौन सा इसको डेकोरेशन फिल्टर सिस्टम ऑक्सीजन सिस्टम क्या क्या लगाने हैं, तो टोटल आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों ब्लैक घोस्ट के सेटअप के बारे में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हमारे पास में समझ में आएगा कि जब भी हम मार्केट से ब्लैक घोस्ट फिश परचेस करते हैं तो किस टाइप से उसको हम सही सेटअप करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में जो एक्वेरियम होता है और जो फिश लाई होती है तो फिश किस टाइप से उसको छोड़ी जाए। तो फिश छोड़ने के लिए दोस्तों जैसा कि हमें सबसे पहले हमारे पास में जो भी टैंक है उसको 8 दिन पहले पानी भर के अंदर सेटअप करके पानी पुराना करके अंदर रखना चाहिए, और पानी को हम पुराना करके सप्लाई वाटर वाला पानी रखेंगे तो हम 8 से 10 दिन पुराना पानी रखेंगे दोस्तों। उसके अंदर हम मेडिसिन डालेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं आपको यहाँ पे हमने मिस्टर ब्लू और जो मेडिसिन है दूसरा दोस्तों यहाँ पे एंटी क्लोरिन, ये दो टाइप की मेडिसिन मेरे पास में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 लीटर का टैंक है तो 2 ml मैंने मिस्टर ब्लू और 2 ml मैंने यहाँ पे एंटी क्लोरिन दोनों मेडिसिन को डाल के यहाँ से 2 से 4 दिन तक हमने तो इसके अंदर फिल्टर को चलाया है। तो इसको पहले हमें तो ये जो बैग को पॉलीथिन को ओपन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओपन करके मैंने हमारे ये जो बकेट है बकेट के अंदर इस फिश को यहाँ पे इसी टाइप से विदाउट इसको पानी अंदर छोड़े हुए इस टाइप से यहाँ पे रख दिया हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हमने ये जो पाइप लिया है दोस्तों इसके अंदर हम पानी भरेंगे पहले, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें पानी भर दिया है, बंद कर देंगे दोस्तों ये साइज को, और इसको हमारा जो एक्वेरियम है जिस एक्वेरियम में हमें छोड़ना है फिश को उस एक्वेरियम में हमें इसको लगा देंगे। और ये वाला जो है पॉइंट ये वाले हमें पानी में दोस्तों देखिए ये जो हमारा एक्वेरियम टैंक है इस पानी में हमें ब्लैक घोस्ट फिश को डालना है, तो उसके पहले हम इस पानी को लेकर थोड़ा स्लो मोमेंट एकदम स्लो प्रोसेस हमारे जो छोड़ देंगे इसमें इस पॉलीथीन के अंदर हमने मार्केट से परचेस की हुई जो भी ब्लैक घोस्ट फिश है उसके अंदर हम स्लो मोमेंटली पानी को छोड़ेंगे मिक्स करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसा कि ये पानी का जो भी पावर स्लो है तो इसको हम 30 मिनट तक इस पानी को प्रेशर को स्लो मोमेंट है तो इस बकेट ये पॉलीथीन भरने तक रखेंगे, 30 मिनट के बाद में हम बाकी प्रोसेस आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें कभी भी हम स्पीड में पूरा डायरेक्टली पानी में ये फिश नहीं छोड़नी चाहिए, जो भी हमारा एक्वेरियम है जिसमें हमें फिश छोड़ना है इसमें का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से स्लो पावर में इसको पानी को हमें पॉलीथीन में लगाना है डालना है ये। तो दोस्तों जैसा कि हम ये स्लो मोमेंट पानी को है तो हमारे फिश पॉलीथीन में डालेंगे, तो जो भी हमारा टेम्परेचर है जैसा कि हमारे टैंक का और ये पॉलीथीन का दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिश हमारी मरेंगी नहीं बिल्कुल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा पहले घोस्ट फिश का जो भी पानी पाउच जो कंपनी से जो आया था पानी उसके पानी का टेम्परेचर और हमारे पानी का टेम्परेचर दोनों भी सेम मैचिंग होने जा रहा है। हमने यहाँ पर इस पानी को स्लो मोमेंट 30 मिनट आधे घंटे के अंदर पानी को स्लो मोमेंट इसके अंदर हमारे पॉलीथीन में जो पॉलीथीन में हमारी घोस्ट फिश है उसी फिश के अंदर हमने इसको पानी को छोड़ के उसका टेम्परेचर हमने देखा है कि ये व्हाइट कलर के हमने इसके अंदर स्टोन लिया है जो हमारी फिश है ब्लैक कलर की, तो व्हाइट कलर के स्टोन एकदम थोड़ा सा ब्यूटीफुल गेटअप में कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा लगेगा, तो उसके हिसाब से पहले हम स्टोन लेने के बाद में हमें सबसे पहला काम होता है उसको सही तरीके से धो ले, उसको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए स्टोन को हम। और एक बार एक पानी से और डबल से इसको धो लेंगे दोस्तों।
यहाँ पे भी हमारे एक्वेरियम में डाल देंगे। तो सर ये हो गया हमारा स्टोन। स्टोन के बाद में इसको एडिंग स्पेस के लिए हमें तो इसके अंदर पाइप छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारे पास में जो एक्रेलिक के पाइप है, इस पाइप को भी हमें यहाँ रखना जरूरी होता है, ये तो मछलियों को छुपने के लिए, मछलियों को खेलने के लिए, इसके अंदर बड़ा मजा आता है। और दोस्तों इसी के साथ में हम यहाँ पर एक स्पंज फिल्टर लगाएंगे। स्पंज फिल्टर लगाना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में ये सेटअप के साथ में हमें हीटर लगाना कंपलसरी जरूरी होता है। तो जब भी हम हीटर लगाएंगे तो पहले स्टार्ट में हम इसको करेंगे दोस्तों 26 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम सेटअप करेंगे, जैसा कि हमारा कंपनी से जो भी होता है तो 28 आता है। देखिए ये 28 है, हम इसको 26 करेंगे। तो 26 करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, बटन को मैं घुमा दूंगा, घुमाकर 26 करेंगे और 24 घंटे के बाद हम 28 करेंगे वापस से। तो दोस्तों जैसा कि हमारे पास पॉलीथीन में जो भी फिश थी और जो पानी था जो हमने टेम्परेचर को सेटअप किया है, उसी पानी को हम इसी के अंदर हमारे एक्वेरियम के अंदर छोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पॉलीथीन में जितना वाटर था और तो उसी वाटर को हमने फिश के साथ में हमने एक्वेरियम में छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसा कि हमारा वाटर है तो इसके अंदर हम हर 2 घंटे को एक आधा जगह तो पानी ऐड करते जाएंगे इसमें। इसी टाइप से हम हर 2 घंटे में एक जग पानी, 1 लीटर पानी को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने जैसा कि देखा है कि हमारे पास में ये जो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर टाइम लगने के बाद भी हमारी जो फिश है एक बार टेम्परेचर को सेट हो जाएंगी, हमारा जो घर का जो पानी है, वाटर है, और जो शॉप वाले का वाटर है, दोनों का जब सेम हो जाएगा उसके बाद में हमारी फिश को एकदम सही रहेंगी और उसके बाद मरने के कोई चांसेस नहीं होंगे। और दोस्तों अब आते हैं फूड की बात करें, जैसा कि हमारे पास हीटर वीटर फिल्टर वेल्टर सब टोटली कम्प्लीट इस टाइप से हो चुके हैं। और ज्यादातर अगर हम गोश्त फिश रखते हैं तो स्पंज फिल्टर लगाना जरूरी होता है। और इसके फूड के बारे में दोस्तों देखेंगे, जैसा कि हम ब्लड वर्म्स देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा भी मैं सबसे पहले अगर हमारे पास लाइव फूड मिलता है या फीडिंग फिश मिलती है या लाइव वर्म्स मिलते हैं तो वो अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं मिलते हैं उस कंडीशन में तो हमारे पास में ये ब्लड वर्म्स है, उसकी ब्लड वर्म्स भी दे सकते हैं हम। उसके बाद टेट्रा बिट्स दे सकते हैं दोस्तों, और उसके अंदर यहाँ पे देखेंगे हम तो ये वाला जो है तो श्रिंप वाले जो भी ये भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम एक्वेरियम में गोश्त फिश रखेंगे तो इस टाइप से अगर हम सेटअप करते हैं तो हमारी फिश स्ट्रांग और लाइफ टाइम अगर बड़े से बड़ी उससे हो सकती। दोस्तों ये वाली जो फिश है कम से कम है तो 2 फीट तक हो सकती है, इसकी 12 से 14 साल तक इसकी लाइफ है। दोस्तों अगले वीडियो में और मिलेंगे फिश के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।